हे हाय फ्रेंड्स, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपसे कुछ ऐसा साझा करें जिसके साथ आप बच्चों को एंगेज कर सकें, जिसमें थोड़ा फन भी हो और लर्निंग भी। तो आज अपन एक मज़ेदार और माइंड शार्पनिंग बोर्ड गेम देखेंगे। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। हाइड का मतलब है छिपाना और सीक का मतलब है ढूंढना। ये गेम एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और इसमें ये एक बोर्ड है। इस बोर्ड पर चार क्वाड्रेंट्स यानी कि चार खाने बने हुए हैं। हर खाने में कुछ व्हीकल्स की पिक्चर्स हैं, जैसे कि ट्रेन का इंजन है, कार है, बाइक है, प्लेन है और बस भी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या छुपाना है और क्या ढूंढना है। तो इस गेम में ये एक चैलेंज बुक आती है जिसमें 48 यानी कि 48 चैलेंज है। चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए यानी कि इनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें कुछ हाइड करना पड़ेगा। तो पहले एक चैलेंज को ही देख लेते हैं। तो हम अपना बोर्ड वापस से यहाँ ले आते हैं। तो इस चैलेंज में तीन प्लेन, दो बस और दो बाइक्स को दिखाना है। यदि हम अपने बोर्ड को देखें तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। इस गेम में ये कुछ पीसेस आते हैं। इन पीसेस को यूज़ करते हुए हमें पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से छिपाना है कि जो चैलेंज में दिया हुआ है उतना ही कुछ दिखे। तो अभी तो मैंने रैंडमली कुछ रखा है, तो ये सही सॉल्यूशन नहीं है इस चैलेंज का। हमें चाहिए कि तीन प्लेन, दो बस और दो बाइक दिखे। तो अब हम इसको फिर से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बस दिखानी है, बाकी कुछ भी दिखाना नहीं है। तो मैं इस पीस से ये कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ। माने कि मुझे बस तो दिखानी है, एक प्लेन भी दिखाना है। इनफैक्ट मुझे हर पिक्चर का प्लेन दिखाना है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ आएगा, क्योंकि केवल यही पीस है जिससे कि जो सेंटर की पिक्चर है उसको दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर मैं यदि ये कर दूँ और ये कर दूँ, तो अभी तीन प्लेन हो चुके हैं, दो बस भी है, लेकिन बाइक एक ही है। तो मैं इसको इस तरीके से रख दूँ। तो आप देखिए कि जो चैलेंज में जो कहा गया था कि बोर्ड पे केवल तीन प्लेन, दो बाइक और दो बस दिखनी चाहिए, वो सॉल्यूशन हमारे पास अब है। यदि इसको हम देखें तो इस पे नेक्स्ट पेज पे ही इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो हर जो 48 चैलेंजेस हैं, हर चैलेंज का सॉल्यूशन उसके नेक्स्ट पेज पे है। यदि हम इनको कंपेयर करें सॉल्यूशन को, तो मेरा सॉल्यूशन ठीक ठीक लग रहा है। तो ये इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। एक टाइम पे इस गेम को एक ही जना खेल सकता है, लेकिन आप यदि टाइम को ट्रैक करें यानी मल्टीप्लेयर मोड में आप इसको खेल सकते हैं कि यदि एक से ज़्यादा प्लेयर हैं, बारी बारी से खेल रहे हैं और हर जना अपने टाइम कितना लेता है एक चैलेंज को सॉल्व करने में, तो एक तरीके से थोड़ा सा कंपटीशन भी रख सकते हैं। हम लोग इसे घर पे मल्टीप्लेयर मोड में खेलते हैं, बारी बारी से खेलते हैं और हमें इस गेम में बहुत ही मज़ा आता है। अब इस गेम की एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक तरह की रिकॉल वैल्यू है। जब हम लोगों के पास ये गेम पहली बार आया था, तो करीब एक हफ्ते तक हम इसके अलग अलग चैलेंजेस को हमने सॉल्व किया, बारी बारी से सॉल्व किया और बहुत ही एन्जॉय किया। लेकिन इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन जैसे आप देखें तो इनको कोई याद तो रख नहीं सकता है, इनको कोई रट के तो रख नहीं सकता है। तो हर कुछ महीने में हम इसको 10-15 मिनट के लिए भी इसके किसी भी चैलेंज को उठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर किसी भी पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या कराऊं बच्चे को, ये उसका एक जवाब हो सकता है। तो अब हमें ये गेम हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किया था। ये गेम टॉयमेट कंपनी का है। इसकी MRP अबाउट 550 के आसपास है। अमेजोन पे ये 531 में अवेलेबल है। टॉयमेट कंपनी की जो खुद की साइट है www.toymate.in, उस पे ये 485 में अवेलेबल है। गेम का जो मटेरियल है, इवन जो बॉक्स है, जो बोर्ड हैं, ये पीसेस हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इवन जो चैलेंज बुक है उसका पेपर भी काफ़ी अच्छा है, स्पाइरल बाइंडिंग में, और काफ़ी अच्छी
क्वालिटी है इस गेम के मटेरियल की। इस गेम के और भी वर्जन्स हैं, जैसे जंगल वर्जन है जिसमें कि व्हीकल्स की पिक्चर्स के बजाय एनिमल्स की या जंगल की पिक्चर्स हैं, वाटर वर्ल्ड है, क्रिकेट वर्ल्ड है। तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से अपने बच्चे के कोई सा भी वर्जन इसका पिक कर सकते हैं। ये गेम जैसे आपने देखा एक तरह से लॉजिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करता है। स्पेशियल रीजनिंग मतलब कि जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसमें चीज़ों को विजुलाइज करने और मैनिपुलेट करने को सिखाता है। बच्चों को ये सारे फायदे बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो बस खेलने दें। 4 साल के बच्चे को ये गेम दिया जा सकता है और ऐसे इंटरेस्टिंग गेम को खेलने के लिए कोई अपर बाउंड तो है नहीं उम्र का, जिसका मतलब है कि आपको भी अपने बच्चों के साथ ये गेम खेलना चाहिए। बच्चों को जब भी कोई नया गेम स्पेशली लाके दें तो उनके साथ खेलना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि उनको रूल्स वगैरह क्लियर हो, किस तरीके से खेलना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब उनको बताया जा सके। तो खेलते रहिए, मज़े करते रहिए, अपने बच्चों के दोस्त बने और बने रहिए।